अगर कोई वोट डालने की नौबत आई तो मैं अपना वोट कांग्रेस वालों को दिखा करके दूंगा कि तुम्हारे पक्ष में डाल रहा हूँ। जहां मैं अपना दिखाऊंगा वहां मैं ये भी कहूंगा कि मुझे भी तुम्हारे दिखा दो, ये उड़ा कहीं खाली ना छोड़े, पहले खाली। जब थोड़े दिनों में विधानसभा में टिकटों का वितरण होगा तब आप देखना, इस सरसा जिला में भी बहुत सारे कांग्रेसी भाग जाएंगे। सरकार को अलग मत में बता रहा है, राज्यसभा के चुनाव से भाग रहा है। ये ठीक है कि लोकसभा का नतीजा कुछ और था, उसका कारण ये नहीं था कि कोई कांग्रेस मजबूत होगी। अगर कांग्रेस मजबूत होती तो कांग्रेस वालों से पूछो तो श्री तुम्हारी पार्टी में भगदड़ क्यों मची हुई है, तुम्हारे बड़े बड़े पार्टी के सीनियर नेता पार्टी छोड़कर के क्यों भाग रहे हैं, भाग रहे हैं नहीं भाग रहे हैं। ये ठीक है, किरण चौधरी की तो अपनी टीस है, अपनी दुख तकलीफ है, उसको तो पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा, इसलिए छोड़ गई। लेकिन जिन औरों के नाम आ रहे हैं तीन चारों के, जिनकी रोज चर्चा होती है कि आज ये छोड़ के बैठेगा, आज ये जाएगा, तुमने पिछले दो तीन दिनों में हुड्डा की वीडियो देखे कि नहीं देखे? किस तरह से हुड्डा उनकी ले लड़ी कर रहे हैं, किस तरह से उनके घरों में जा रहे हैं, कैसे उनको जा जाकर के बनाने की कोशिश कर रहा है। वो पीछे अटे हुड्डा उनका हाथ पकड़ पकड़ करके खींच रहा है, कहता है तेरे को जाने नहीं देंगे, तेरे को जाने नहीं देंगे, रोकेगा कैसे? जिसने फैसला कर लिया मैंने जाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और वो इसलिए जाना चाहते हैं कि उनको इस बात का एहसास हो गया कि लोकसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, कांग्रेस सत्ता से दूर रह जाएगी। और वो बेचारे सत्ता में रह करके उन्होंने सत्ता का सुख भोगा हुआ है, इसलिए वो लोग जो है इस कांग्रेस को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं, जब थोड़े दिनों में विधानसभा में टिकटों का वितरण होगा तब आप देखना, इस सरसा जिला में भी बहुत सारे कांग्रेसी भाग जाएंगे, क्योंकि एक एक हल्के में 10-10 कैंडिडेट बना रखे हैं। ये मान के चलो टिकट तो एक को मिलेगी या सबको मिल जाएगी, एक को मिलेगी तो बाकी वहां के बटेगा बेचारों का, बाकी क्या करेंगे, बाकी छोड़ के भागेंगे कि नहीं भागेंगे? इस कांग्रेस में तो मान के चलो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी, और उस भगदड़ का फायदा जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा, क्योंकि चाबी गुम होगी तो नहीं होगी। मैं पूरे प्रदेश के 22 के 22 जिलों में जाकर के आया हूं, मैंने खुल के पूछा लोगों से, मैं बोले जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को खत्म करना चाहते थे आज वो हाशिए पे आ गए तो नहीं आ गए? आज उनकी तो कोई टिकट लेने वाला भी, टिकट तो दूर की बात है, नाम लेने वाला भी नहीं। अब तो केवल और केवल लोगों का विश्वास अगर प्रदेश में किसी पार्टी के ऊपर खड़ा है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। इस चुनाव के अंदर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 सीटें भाजपा को जिताने का काम किया। मेरे से पहले इस बात पे चर्चा हो रही कि किस तरह से हुड्डा ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की मदद करी है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, अब का ताजा उदाहरण है। हुड्डा का बयान आ रहा है पिछले 3-4 दिन से, जिस दिन गवर्नर से मिलकर के आया ये कहकर के आया कि सरकार अलग पथ में आ गई। एक तरफ तो जाकर के गवर्नर को कहता है सरकार अलग पथ में है, बहुमत में नहीं है, गवर्नर रूल लगा दो, और दूसरी तरफ राज्यसभा का चुनाव आ रहा है उसके लिए कह रहा है बोले हमारे पास पूरी गिनती नहीं है इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सरकार को अलग मत में बता रहा है, राज्यसभा के चुनाव से भाग रहा है।
इसका मतलब सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में मदद कर रहे हैं कि हम आपके सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, आप चुनाव लड़ो, आप जीत जाओ। मैंने खुल के कहा है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस के एमएलए की गिनती तो कम हो जाएगी, मुझे पता है बहुत सारे एमएलए ऐसे हैं आज भी कांग्रेस में, जो राज्यसभा का चुनाव आ गया तो कांग्रेस के खिलाफ वोट डाल करके बीजेपी की मदद करेंगे। लेकिन हमने हमेशा बीजेपी का विरोध किया है। अगर कोई वोट डालने की नौबत आई तो मैं अपना वोट कांग्रेस वालों को दिखा करके दूंगा कि तुम्हारे पक्ष में डाल रहा हूं। जहां मैं अपना दिखाऊंगा वहां मैं ये भी कहूंगा कि मुझे भी तुम्हारे दिखा दो, ये उड़ा कहीं खाली ना छोड़े, पहले खाली छोड़ गया था एक बार राज्यसभा के चुनाव में, खाली छोड़ गया था कि नहीं छोड़ गया था, 15 ने पेन की शाही बदली थी, खाली छोड़ा था, इससे ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी की उठा क्या मदद करना चाहेगा।